हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ 24। मैथ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा में यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डायरेक्ट और फॉर्मुलेट करके भी यानी आइडेंटिटी का यूज करके भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है सिंपल से स्टेप्स में। तो देखते हैं, लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 2 है एंड दूसरा है x प्लस 4 है, इस तरह के नंबर्स हैं। यानी लेते हैं फर्स्ट नंबर। इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये सीखेंगे, और सिंपल से तरीके के द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या होता है, इस वाले से इस टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टोटल यानी कहने का मतलब x प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x से हम लोग x प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी प्रकार से इसमें देखिए क्या है, यहाँ 2 है प्लस 2 है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 2 लिखेंगे और फिर इस 2 से भी इस टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे यानी x प्लस 4 में। तो इस तरह से लिखते हैं। फिर देखिए ये जो है ब्रैकेट के अंदर है यानी ये बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से इसमें ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या करना होगा, इसके साथ x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो x स्क्वायर आएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। फिर यहाँ पे x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4x हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें देखिए 2 इंटू एक्स कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस डालेंगे यानी 2x हो जाएगा। इसी तरह से 2 4 जा 8 और ये प्लस और ये भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आगे स्टेप में बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा। अब देखेंगे कि जो जो लाइक टर्म वाला है वो जुड़ सकता है, यानी दोनों प्लस में है, ये x x है यानी लाइक टर्म है, तो उसे हम लोग जोड़ सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x क्या होगा, ऐड कर दीजिए तो 6x होगा और प्लस यहाँ 8 हुआ। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये तरीका बहुत ही आसान है और सिंपल है, जिससे हम आसानी से किसी भी बड़े से बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत से कम समय में, यानी बहुत सिंपल वे में कहें तो। ठीक है, देखिए क्या करना होता है, यानी एक बार और समझ लीजिए, इस वाले से पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से इस वाले में से भी पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक आइडेंटिटी भी लगता है, जो आइडेंटिटी को यूज करके और भी आसान यानी सिंपल सेकंडो में इसका आंसर दिया जा सकता है, यानी सेकंडो कहे तो कुछ ही सेकंड में हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है, आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते हैं, आपको याद नहीं है, तो इस जगह पे आप लोग इस तरह से अप्लाई करके आसानी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको हम आइडेंटिटी का यूज करके भी इसको मल्टीप्लाई करना बताते हैं। देखिए क्या करना होता है इसमें, ये आइडेंटिटी होता है x प्लस a इंटू x प्लस b होता है, x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी, यानी ए बी कहने का मतलब a इंटू बी होगा। तो इस पर अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम फिर इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी x प्लस 2 होगा इंटू x प्लस 4 है, तो इसमें ये जो 2 है एज ए है और ये 4 है एज ए बी है, तो इस जगह पे भी हम लोग चाहें तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल से स्टेप में। देखिए क्या होगा इसमें, तो x है यानी x था इसलिए x का स्क्वायर हुआ, यहाँ भी x है यानी x का स्क्वायर होगा, प्लस है प्लस देंगे। फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या है, a और b है, a और b, a मतलब ये और b मतलब ये है, तो 2 प्लस 4 उसके साथ x से इंटू करा दिए। फिर इसके साथ यहाँ क्या है, प्लस है और ये a और b है, तो यानी a मींस 2 एंड यहाँ पे b मतलब 4, तो इस तरह से डालेंगे। और देखिए इसमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 यानी 6 होगा और x है तो 6x हो गया और प्लस 8, तो इस तरह से भी हम लोग आंसर ला दिए। तो ये है आइडेंटिटी का यूज करके ये बनाना हुआ, आइडेंटिटी का यूज करके ये बनाए हम लोग, और ये विदाउट आइडेंटिटी है,
यानी आइडेंटिटी अगर आपको पता नहीं है, याद नहीं है, फिर भी आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल के इसे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हमने दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है, अब इस दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बाद में आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना होगा, तो इसमें करना क्या होगा कि ये जो नंबर से जिस प्रकार से इस वाले ने किए थे, इस वाले से यानी इस x से इस टोटल डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस 5 को कर देंगे, फिर इसी प्रकार से इस 4 से भी x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं x इंटू x माइनस फाइव लिख दिया हमने। फिर इसी प्रकार से इस 4 से भी इस टोटल को मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, फिर इस नंबर को यानी x माइनस 5 को यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5 ऐसे। फिर आगे देखिए अब क्या करना होगा, जैसे कि पीछे वाले ने किए थे, इसके साथ इसको इंटू करना होगा, यानी x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर यहाँ फिर x से इस माइनस 5 में इंटू होगा तो यानी माइनस 5x हो जाएगा, फिर इसी तरह से इस 4 से इस x में इंटू करेंगे, यानी प्लस है ये भी प्लस है, यानी हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4x, फिर इधर 4 है और इधर माइनस 5 है, यानी प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 5 जा 20 होता है, तो 20 लिखेंगे, 20 है। इसी तरह से फिर आप देखिए इसमें भी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो कौन कौन सा है, ये लाइक टर्म है, यानी x 5x है माइनस में और 4x है प्लस में, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन यानी सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी x स्क्वायर यहाँ 5x में से 4x को घटा सकते हैं यानी सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा माइनस x, ये 20 है माइनस में, तो माइनस 20 लिख देंगे, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर लेते हैं, जिसमें कि दोनों माइनस माइनस को लेंगे, यानी थर्ड नंबर देखिए क्या होगा, थ्री नंबर्स में तो x माइनस 3 लिए इसमें, फिर यहां है x माइनस 5, दोनों का दोनों माइनस ही है, तब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए तो इसमें इस x से इस टोटल को यानी x माइनस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए लेते हैं x से x माइनस 5 को मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे माइनस 3 है यानी माइनस 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे x माइनस 5 रखेंगे, x माइनस 5, फिर इंटू कर दीजिए इसे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 5x होगा, फिर इससे इसमें इंटू कर दीजिए माइनस 3x प्लस 15 होगा। अब फिर इसमें देखना है लाइक टर्म कौन कौन सा है, जो जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो जो भी हो, तो देखिए इसमें भी x स्क्वायर, अब दोनों का दोनों सेम साइन है, मतलब क्या होगा ऐड करना पड़ेगा माइनस साइन के साथ, यानी दोनों सेम साइन है तो एडिशन होता है, ऐड कर दिया जाता है यानी सेम साइन से जोड़ देते हैं बस, तो यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 3 है, माइनस 5x और माइनस 3x है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x और प्लस यहाँ पे 15, ठीक है, तो इसका यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट से स्टेप्स में चल के भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, और चाहे तो इस आइडेंटिटी पर भी लगाकर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो अपनी मर्जी जिस तरह से चाहे आप बना सकते हैं यानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो आइडेंटिटी का यूज कीजिए या ऐसे ही मल्टीप्लाई करने का जो इस मेथड के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल